Hello, good morning, my little kids. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome back in your English class. And today we will revise our reader chapters. Today we will read some topics, some lessons, and we will revise question, answer, and exercise. So, are you ready? Let's start the class. So, this is our worksheet chapter number 3 for Reader and Use of Hasn't. Have our first question is tick on the correct spelling. You have to see which is the correct spelling. Just see wheels wheels. So which is the correct spelling? Double E. So right spelling is W H double wheels. Next is small s m a double l. S M E Double L. It is S M A Double L. Small. Next is Cricket C R I C K T and C R I C K E T. So K E T Cricket is the right spelling. Next is imagine. I M A G I N E कल्पना करना कुछ अपने माइंड में सोचना अपने आप ही इमेजिन राइट स्पेलिंग इज I M A G I N E इमेजिन एंड द लास्ट वर्ड इज थिंग्स थिंग्स चीजें T H I N G S दिस इज़ द रॉन्ग स्पेलिंग T H I G S इज नॉट द राइट स्पेलिंग

ल्स टू व्हील्स किसके हैं सी गोलू हैज टू व्हील्स तो किसके पास है टू व्हील्स गोलू सो आंसर इज गोलू हैज टू व्हील्स यू हैव टू जस्ट राइट गोलू इंस्टेड ऑफ हु का मतलब होता है कौन किसके पास है यहाँ पे हम पास के हैज के बारे में बात कर रहे हैं सो so, हैज का यूज होता है जब हम किसी की चीजों के बारे में बात करते हैं सो एंसर इज गोलू हैज टू व्हील्स ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट डज मिस रैने डू व्हाट डज मिस रैने डू मिस रैने क्या करती हैं सी ज शी शी इज मिस रैने वॉट इज शी क्या है ये शी इज अ पायलट प्लेन उड़ाती हैं सो आंसर इज मिस रैने इज अ पायलेट मिसने इज अ

मोलूज व्हील्स आर स्मॉल सो गोलूस व्हील्स आर बिग सी गोलूस व्हील व्हील्स बिग एंडल स्मॉल सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गोलू तो गोलू के व्हील्स कहते हैं बिग बड़े नाउट टेक द राइट एंसर रवि डज नॉट नीड व्हील्स रवि को व्हील्स की नीड नहीं है वाई बिकॉज ही हैज़ लेग्स उसके पास लेग्स हैं और ही यूज गोलूज व्हील्स और वो गोलू के व्हील्स यूज़ कर लेगा सी हेयर इज रवि सो रवि गोलूज व्हील्स आर बिग मोलूज व्हील्स आर स्मॉल इमेजिन दे हैव व्हील आई हैव लेग्स हु आई रवि आई वॉक विद देम सो रवि के पास लेग्स हैं तो उसको व्हील्स की नीड नहीं है सो राइट आंसर इज ही हैज़ लेग्स फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़ एंड हैव आई डैश अ प्रेजेंट फॉर यू मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है सो आई हैव आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव आई हैव डन माय वर्क सो आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू

have a warm bed she dash a, be a bird on her hat she she's a girl so girl singular so one so what we will write here has she has a bird on her have so this worksheet you have to do in your notebook and you have to revise chapter number 3 and 4 and use of uh, sorry use of has and have for your test all the best for your test writing should be neat and clean and pics must be clear okay bye take care everyone and all the best once again bye